व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यार अपना टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के बीच में ड्रामा शुरू हो गया। देखो मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है ड्रामे में किसका किसका हाथ है या कहां कहां से शुरू हुआ, बट थोड़ा बहुत आइडिया है कि एल्विश यादव ने कुछ किया था अपने रोस्टिंग चैनल पे। आई मीन रोस्टिंग चैनल नहीं है, दूसरा चैनल जो उसका दूसरा चैनल है वहां पे उसने कुछ कांड किया था और उसके ऊपर टिकटॉकर्स भड़क गए। फिर यूट्यूबर्स ने भी काफी सारे लोगों ने सपोर्ट दिखाया, ये किया। लक्ष्य चौधरी भी इन्वॉल्व था और बाकी कौन कौन इन्वॉल्व था पता नहीं, बट लेट्स ट्राई टू नो क्या सीन है पूरा टिकटॉक और यूट्यूब का। शी इज रिवॉल्वर रानी, इसके यहाँ से पूरा कांड शुरू हुआ है। इसने बहुत कुछ किया है, मतलब एल्विश यादव ने इसको बेसिकली टारगेट किया था और देवर काइंड ऑफ क्लोज, तो इसने एल्विश यादव पे ये किया। Exactly. This is about Elvis Yadav. You have been an amazing creator. I tell this to you. I think they personally जानते हैं दोनों एक दूसरे को. After I saw that video, to be really honest, मैं अपने part तक तो पहुंची भी नहीं. ठीक है. अच्छा, तो मैडम जी ने पूरा वीडियो देखे बगैर ही बंद कर दिया, because you literally you class discriminated in that video. ए ठीक है यार, कॉमेडी में इतना चलता है, उसको लेके क्यों सर पे चढ़ गए? Background. बहुत अच्छी schooling हुई है. You have been an amazing student. I know personally. बोला था ना ये लोग जानते हैं एक दूसरे को. Where is that sense of speech? How can you class discriminate? अरे यार वो roast कर रहा है, roast is like that. Roast होता ही ऐसा है, उसमें कहाँ body shaming, कहाँ तुम किस चीज को कैसे कैसे उठा रहे हो. Roast है, वो मजाक कर रहा है, लोगों को हंसा रहा है, बस that simple. तुम क्यों personal ले रहे हो चीजों को? Social media या फिर शायद हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, तो इट इज पर्सनल. ये सब चीजें प्रमोट करनी चाहिए कि किसी को बॉडी शेम मत करो, क्लास डिस्क्रिमिनेट मत करो. तुम्हारे लिए क्या है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना? ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने डोनेट किया एंड देन यू पोस्टिंग. हाँ यार, ये तो ना मुझे भी गलत लगता है, मतलब तुम कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए, बट स्टिल उसका भी अपना अपना वो है कि उसको देख के क्या पता किसी और ना भी डोनेट कर दिया. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमने तो पोस्ट ना किया डोनेट करने के बाद. टिकटॉक और यूट्यूब दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं. हाँ ये बात सही है मैडम की. यूपीएससी और आईआईटी थोड़ा सा एग्जांपल दिया था. फक, कहाँ यूपीएससी कहाँ आईआईटी, उसको टिकटॉक और यूट्यूब से कंपेयर कर रही है मैडम. ना जी ऐसा ना चलता. गलत डायरेक्शन जा रही हो आप. मैं अब तक मैं सपोर्ट कर रहा था मैडम को, लेकिन यूपीएससी आईआईटी ये कहाँ से आ गया भाई? This is not how things work. IIT अलग preparation. हाँ, दो अलग प्लेटफॉर्म से भी अंडरस्टैंड. तुम ये नहीं कह सकते साइंस वाले कम मेहनत करते हैं, कॉमर्स वाले कम मेहनत करते हैं. कॉमर्स वाले अपने हिसाब से बहुत मेहनत करते हैं, साइंस वाले साइंस कॉमर्स बोल दिया होता तो समझ जाते एक बार. यूट्यूब एंड टिकटॉक. मैडम पहले आपने साइंस कॉमर्स बोलना चाहिए. करते तीन मिनट की मेहनत. 15 सेकंड टू फैंडम बोलना, फैंडम बोलना बंद करो. 15 सेकंड की वीडियो 3 मिनट में रेडी हो जाती है और क्या. हमने भी अपना वक्त दिया है यार इस प्लेटफॉर्म को. मतलब अगर तुम्हें यूं लग रहा हो ना कि हम लोगों ने आज इंस्टॉल किया, मैडम ने मेहनत की है, एक वीडियो दिन की बनाई, तुरंत तुरंत नहीं किया मैडम ने, बहुत मेहनत किया है. एक ट्रांजिशन स्ट्रगल, यू नो, मेहनत. अमित बढ़ाना वाले मैंने की है मेहनत. मेहनत वीडियो बनाने में ना 4 घंटे लग जाते हैं. मुझे तो लग जाते हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता. 4 घंटे भाई, 15 सेकंड की वीडियो 4 घंटे. मैडम ने अगर आधा घंटा बोल दिया होता, 1 घंटा बोल दिया होता ना, मैं मान लेता. 4 घंटे मैडम आप बहुत स्लो. एडिट करने में बहुत स्लो ठीक है ना. 4 घंटे भाई, हम यूट्यूब वीडियो रेडी कर लेते हैं 4 घंटे में. तुम लोगों को लगता है लिपसिंग करना आसान है, मैं मोनोलॉग्स बनाती हूँ 1-1 मिनट के, वो डायलॉग याद करना होता है. अरे मैडम मैंने की है मेहनत. तो फिर उसके बाद लक्ष्य चौधरी ने ये कुछ कहा, मतलब मैडम को रिप्लाई करते हुए. मैं जानता नहीं टिकटॉक को किसी को भी. मैं भी नहीं जानता था. वे बोल रही हैं बहन जी की अगर यूट्यूब AI वो आईआईटी exactly, है, तो यही तो मेरा पॉइंट था. मतलब यूपीएससी का आईआईटी कहाँ कंपेयर कर रही हो मैडम, टिकटॉक यूट्यूब से? कैसी बातें हो रही है. अगर यूट्यूब आईआईटी के इंजीनियरिंग है ना, आईआईटी से इंजीनियरिंग, तो टिकटॉक है ना वो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा, डिप्लोमा में भी बैक है. क्या ले रहा है भाई? फिर बहन जी यूं कह रही हैं कि भाई तुमने डिस्क्रिमिनेट कैसे कर दिया, बॉडी शेमिंग कैसे कर दी. ये सबसे मुझे चूजी लगी कॉमेडी कल्चर में कि कॉमेडी है. ऑफेंड हो जाओ जरा से मैं भाई, बॉडी शेमिंग नहीं होगी तो कैसा होगा? मतलब सर कह रहे हैं कैसा होगा, कैसा कोई मजाक था. बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते, गाली नहीं हो रहा है आपको लेके, बिलो द बेल्ट नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. एग्जैक्टली गाली भी दी जाती है, बॉडी शेमिंग भी होती है. हाँ तुम खाली मोटा मोटा सुक्का सुक्का करके. हाँ टारगेट मत करो किसी को, टारगेट मत करो, बट यार मजाक उड़ा रहे हो यार. जो ठीक है मजाक में लो, डोंट बी सीरियस. अगर आपको टारगेट करके हर बार एक ही चीज को टारगेट कर रहा है, देन वी अंडरस्टैंड कि इट्स टारगेटिंग. बट यार कोई किसी को मोटा बोल रहा है, पतला बोल रहा है, मजाक उड़ा रहा है, इट्स जोक यार, इट्स कॉमेडी, इट्स रोस्टिंग, दैट्स इट, लीव इट, इग्नोर इट, हंसो, भूल जाओ. कमेंट की पूरी वीडियो ऐसी बना, लेकिन पंच पे कपिल शर्मा शो पे भी लगते हैं भाई. हाँ एग्जैक्टली, सब हंसता है, पूरा इंडिया हंसता है.
एक और फिर एक और उन्होंने रीजन दिया टिकटॉक अच्छा होने का कि जब मैं ट्रांजिशन वीडियो बनाती हूँ मुझे 4 घंटे लग जाते हैं, घंटे एडिटिंग होती है, 1 मिनट यहाँ 15 मिनट की जब हम वीडियो ट्रांजिशन में 4 घंटे अगर 4th मिनट में ही अपलोड ना करती थारे से बढ़िया ट्रांजिशन वीडियो तो बताइए टिकटॉक कुछ नहीं होता। अब भी बता रहा हूँ कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता लिटरली, इस बात को ठान लो, इसलिए टट्टी है मैं गाली दे छक्का चुक्का बतावे। अभी ये सब होने के बाद ना, ये सब होने के बाद ना एक और बंदा निकल कर के आ रहा है, इसका नाम है आमिर सिद्दीकी भाई, ये भी टिकटॉकर हैं, इन्होंने भी कुछ डाला है अपने इस पे। हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। और जैसे कि फिलहाल मेरे को पता नहीं भैया ये क्या कंटेंट बनाते हैं, लेट्स ट्राई टू नो कि क्या कह रहे हैं, हमें ना पता है। बहुत क्रिंज है क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट पॉइंट है बंदे के उसमें कि भाई जो ये रोस्टर्स हैं ये टिकटॉक वालों को ही रोस्ट कर करके पैसे कमा रहे हैं, पैसे छाप रहे और उनको ही क्रिंज बोल रहे हो, लेकिन बात तो है क्रिंज तो है यार, क्रिंज तो है, तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। और गाइस सेकंड पॉइंट है सीसी, सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे भाई, लो क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए यार, मेरे से अच्छा तो आप लोग जानते रहेंगे, आप लोग ही हमारे कंटेंट को एक्सप्लॉइट करके इतने प्यारे तरीके से यूज करते हो, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन यार ऐसा अबे वो जो तेरा मजाक उड़ा तेरे को क्रिटिसाइज कर रहा है उसमें सीसी कहां से आ गया, लीगल मैटर हो सकता है, नहीं करना है क्योंकि यार एक दूसरे को हमने तो बस इतना ही सिखाया कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो प्यार करते चलो, बोलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बंदा जो है ना ये पॉजिटिव है, ये जो है हेट नहीं फैला रहा है, ये जो है चीजों को समझ रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं हेट नहीं फैलाना चाहिए, इट्स गुड कि पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा है, किसी से नफरत नहीं हेट नहीं। Exactly. तीसरी बात आती है कम्युनिटी सपोर्ट की, यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग, अगर तुमने कोई कंटेंट बना दिया, महीने में आप 3 कंटेंट बनाते हो वैसे भी, अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, ये तो है भाई। ये तो है, ये तो है भाई, सारे यूट्यूबर्स एक ही चीज बना रहे हैं, टाइप्स ऑफ ये टाइप्स ऑफ वो, ये ड्यूरिंग वो, सेम चीज सब लोग वही कर रहे हैं, मजा नहीं रह गया, मतलब नॉट ऑल बट है बहुत सारे लोग हैं जो सेम चीज कर रहे हैं, शायद एल्विस की बात कर रहे हैं, क्या बात है यार, मतलब सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं। अब यही बात मैं तुमको एक लाफा मारूंगा और बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात, तो हम जो कम्युनिटी है ना, अगर ट्रेंड आता है ना हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना, तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, हम लोग और सपोर्ट करते एक दूसरे को, क्या बोल रहा है। तो मैं आज ये बातें कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी को, कम्युनिटी की बातें कर रहा है लौंडा, यूट्यूबर्स है जो तुमको ट्रोल करते हैं रोस्ट करते हैं, तो मैं उनको बोल, तूने अपना ही मजाक उड़ा लिया जो भी कहा, ओके के पता नहीं मेरे को हंसी आ रही है और कुछ नहीं बोल सकता मैं, तुम्हारा क्या है तुम बता रहे हो कमेंट में कि भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते, तो अगर हम YouTube पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी अबे तुम YouTube पे आ ही नहीं सकते, तुम्हारे बस का ना है, YouTube TikTok अलग है, YouTube अलग है, तुम आओगे भी मतलब TikTok समझना, YouTube को हलवा नहीं है, ये 15 सेकंड की वीडियो और 15 मिनट की वीडियो में फर्क होता है, मतलब अभी तुमको आना है आ जाओ, बट तुमको पता है तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए तुम TikTok पे गए हो, ये नो 15 मिनट वाला फैंडम और क्या बोलो यार, मैंने की है मेहनत। सबका अपना अपना चॉइस है, कोई टिकटॉक पसंद करता है, कोई यूट्यूब पसंद करता है, कोई दोनों देखता है, अभी हमें पता नहीं है भाई, हम तो टिकटॉक, हमको मजा नहीं आता टिकटॉक, मतलब क्रिंजी लगता है, चूंकि आप लगता है, बट आजकल की जो मॉडर्न ऑडियंस है वो टिकटॉक ज्यादा पसंद कर रही है, मुझे पता है कि आप में से जो बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग टिकटॉक देखते हैं, यो आपकी अपनी चॉइस है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, आपको टिकटॉक पसंद है आप देखते हो, आपको यूट्यूब पसंद है आप देखते हो, आपको दोनों पसंद है आप दोनों देखते हो, हमें यूट्यूब पसंद है हम यूट्यूब देखते हैं, बट या टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के बीच का ये ड्रामा था टोटली, मेरे ओपिनियन में भी वही है कि हाँ ऑडियंस मैटर करती है कि ऑडियंस किसको पसंद करती है, आने वाले टाइम में आई फील लाइक टिकटॉक बड़ा बनने वाला है यूट्यूब से, अगर टिकटॉक जो है मोनेटाइजेशन वगैरह लाता है तो, और एक न्यूज़ तो ये भी है कि यूट्यूब अपना खुद का प्लेटफॉर्म लाने वाला है शॉर्ट वीडियोज़ का, शायद यूट्यूब शॉर्ट्स या ऐसा कुछ नाम है शॉर्ट्स करके होने वाला है, जो कि टिकटॉक जैसा ही होने वाला है सेम टू सेम, पर उसमें मोनेटाइजेशन भी होगा, तो जब मोनेटाइजेशन होगा तो सारे यूट्यूबर्स भाग देंगे टिकटॉक की तरफ, बट हाँ मेन चीज़ वो है कि टिकटॉक के पास ऑडियंस है, ज़्यादा ऑडियंस है, सब हर कोई दिख रहा है, और टिकटॉक पर आना ईजी है यार, यूट्यूब मुश्किल है, हर कोई यूट्यूब पर नहीं आ सकता, टिकटॉक आसान है हर कोई कर लेता है, तो इसलिए वो चीज़ है,
अब आप बताओ आपको क्या लगता है। मेरी तरफ से तो इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन टू। थैंक्स अ लॉट, बाय।